नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यूपी दरोगा यानी कि यूपीएसआई का मूल विधि संविधान और सामान्य ज्ञान का दोस्तों पार्ट नंबर पुराना पेपर 8 आ चुका है। 15/12/2017 के फर्स्ट शिफ्ट में जो है ये सभी क्वेश्चंस, ये पुराना पेपर पूछा गया था। ठीक है, तो सितारे अगर आपको कंधे पर चाहिए तो दोस्तों दबा करके आपको मेहनत करनी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का यहाँ पर खाली स्थान है। संसद को यह अधिकार देता है कि वह उपयुक्त कानून बनाकर नए राज्य बना सके और वर्तमान राज्यों के इलाकों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सके। ये कौन से अनुच्छेद के द्वारा जो है ये शक्ति मिलती है, भारतीय संविधान जो है संसद को यह अधिकार देता है, ये आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत। जिन लोग याद है बता सकते हैं। तो याद रखिएगा इस अनुच्छेद यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 3 कहता है कि भारतीय संविधान जो है संसद को यह अधिकार देता है दोस्तों कि उपयुक्त जो कानून ये जो है राज्य के हिसाब से कानून बनाकर क्या कर सकता है, राज्य बना जो है नए राज्य बना सकते हैं, वर्तमान राज्य जो है उसके इलाकों में यानी कि कौन सा जिला कहाँ जाएगा ये सब इलाकों में फेरबदल, सीमाओं और नामों में जो है परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, कौन? संसद कर सकता है। ये अधिकार किसमें? अनुच्छेद 3 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे मुद्रास्फीति जनित मंदी, यहाँ पर खालिस्तान है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और बढ़ती कीमत के स्तर का एक संयोजन है। ऑप्शन के हिसाब से बताइए यहाँ पर क्या फील होगा। मुद्रास्फीति जनित मंदी जो है ये वास्तविक जो है सकल घरेलू उत्पाद और बढ़ती कीमत के स्तर का जो है एक संयोजन है, क्या होगा बताइए। तो देखिए जो है मुद्रास्फीति जो है जनित मंदी जो है ये घटते वास्तविक सकल जो है घरेलू उत्पाद और बढ़ती कीमत के स्तर का एक संयोजन है। ठीक है, याद रखिएगा घट रही है हमारी जो है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित वास्तुकारों में से किसने राजा बिंबिसार का महल बनाया था। इनमें से कौन जो है वास्तुकार हैं जिन्होंने राजा बिंबिसार का जो है महल बनाया था। महागोविंद, याद रखिएगा महागोविंद जो हैं ये जो है राजा बिंबिसार का महल इन्होंने बनाया था। बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित था। ठीक है, याद रखिएगा जैन साहित्य में बिंबिसार को जो है श्रेणिक कहा गया है जैन साहित्य में। नेक्स्ट बात करेंगे किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि कलात्मक स्वतंत्रता के नाम पर महात्मा गांधी जैसे किसी ऐतिहासिक रूप से सम्मानित व्यक्तित्व के विरुद्ध असभ्य शब्दों का प्रयोग नहीं किए जा सकते। ये कहां पर किस न्यायिक मामले में जो है उच्च न्यायालय ने जो है ये कहा है बताइए, कब कहा है, कौन सा ये था। देखिए याद रखिएगा देवीदास बनाम महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए, ये आपका मामला है। ठीक है, ये आपका 2015 का मामला है। ठीक है, यहाँ पर उच्चतम न्यायालय क्या कह रहा है यह कहा है कि कलात्मक स्वतंत्रता के नाम पर जो है महात्मा गांधी जैसे किसी ऐतिहासिक रूप से सम्मानित व्यक्ति के विरुद्ध असभ्य शब्द है इसका प्रयोग नहीं किया जा सकते। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 2015 का है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे MAT न्यूनतम जो है वैकल्पिक कर, MAT की ये बात कर रहे हैं, पर लगाया जाता है। ये दोस्तों कौन सा, इसमें कहां पर ये लगाया जाता है ये आपको बताना है। जो न्यूनतम वैकल्पिक कर है ये किस पर लगाया जाता है बताइए, कहां पर लगाया जाता है। तो न्यूनतम जो वैकल्पिक कर है ये है शून्य कर कंपनियां पर दोस्तों, ये जो है लगाया जाता है। याद रखिएगा MAT यानी न्यूनतम वैकल्पिक कर जो है शून्य कर वाली कंपनियों पर लगाया जाता है, अर्थात यह टैक्स ऐसी कंपनियों पर लगाया जाता है जो मुनाफा कमाती अवश्य है परंतु जो है रियायतों के वजह से टैक्स देने से बच जाती हैं। भारत में न्यूनतम वैकल्पिक कर वित्त आयोग, याद रखिएगा 1987 के माध्यम से प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे छोटी आंत में छोटी उंगली की तरह
निकला हुआ हिस्सा जो निगले हुए भोजन से पोषक तत्व का अवशोषण करता है को कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? छोटी उंगली की तरह ये निकला होता है, बताइए। तो उसको कहते हैं विल्ली, विल्ली याद रखिएगा, विल्ली कहते हैं, ठीक है। छोटी आंत में छोटी उंगली की तरह निकला हुआ जो हिस्सा है जो निगले हुए भोजन से पोषक जो है तत्व को का जो है अवशोषण करता है उसे विल्ली कहते हैं। विल्ली ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में किस राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार एक राज्य सरकार को वापस बहाल कर दिया था जिसे केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करके निलंबित कर दिया था, बताइए कौन से राज्य में यह हुआ है? याद रखिएगा 2016 में दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार एक राज्य सरकार को वापस बहाल कर दिया था जिसे केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लागू करके निलंबित कर दिया था, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट बात करेंगे, खालिस्तान है एक प्रकार का लोगों पर कपट पूर्ण मनोवैज्ञानिक आक्रमण है जिसमें यह दावा किया जाता है कि अगर उपयोगकर्ता बैनर विज्ञापन अथवा लिंक पर क्लिक करे तो उन्हें किसी ऑफर के तहत इनाम मिलेगा। इसको जो है क्या क्या कहते हैं, याद रखिएगा, इसको कहते हैं बेटिंग, ऑप्शन नंबर ए बेटिंग एक प्रकार का लोगों पर कपटपूर्ण जो है मनोवैज्ञानिक आक्रमण है, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी। इसमें यह दावा किया जाता है कि अगर उपयोगकर्ता बैनर विज्ञापन अथवा जो है लिंक पर जो क्लिक करे तो इसको जो है यहाँ पर कुछ ऑफर के तहत इनाम मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, खालिस्तान है, ठीक है, खालिस्तान के बाद दोस्तों आपका है को चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, किसको दोस्तों चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, बताएंगे, पंजाब के जो दोस्तों राज्यपाल हैं इनको, ठीक है, पंजाब राज्य के जो है राज्यपाल को चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में जो है नियुक्त किया जाता है संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल को की जो है नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति जो है द्वारा की जाती है 155 के तहत। गौरतलब जो है यहाँ पर बात करेंगे तो जून 1984 में पंजाब के राज्यपाल को चंडीगढ़ के प्रशासक की जिम्मेदारी दी जाती रही है, ठीक है। वर्तमान में बात करें तो बीपी सिंह जी, जो बीपी सिंह बदनौर हैं, ये प्रशासक के रूप में पदस्थ हैं, ठीक है, 1984 से स्टार्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, भूजल में कौन से खनिज जो है संदूषक के कारण जो है ब्लूबेरी सिंड्रोम होता है, आपको बताना है भूजल में कौन से खनिज संदूषण के कारण ब्लूबेरी सिंड्रोम होता है, कौन सा खनिज यहाँ पर रहता है? तो देखिए भूजल में जो है नाइट्रेट भूजल में नाइट्रेट के खनिज संदूषक के कारण ब्लूबेरी सिंड्रोम होता है। ब्लूबेरी सिंड्रोम पेयजल में नाइट्रेट की जो है अधिकता के कारण शरीर में रक्त द्वारा ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता घटने के परिणाम स्वरूप होता है। नवजात शिशु इस रोग से प्रमुखतः प्रभावित हो जाते हैं या होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से किस अधिकार को संविधान के किसी अनुच्छेद के साथ गलत तरीके से जोड़ा गया है, यहाँ पर आपको गलत वाला बताना है, कौन सा इसमें अधिकार दिया है, अनुच्छेद बताया है, कौन सा इसमें गलत है? तो यहाँ पर दोस्तों जो गलत है वो है बी वाला भी और सी वाला भी। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आपका ये जो है 11 से 13 नहीं होगा, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार 25 से 28, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर समानता या समता का है वो आपका 14 से 18, ठीक है। तो ये दोनों जो है गलत हैं, तो जो भी आप आंसर किए हैं दोनों के दोनों आपके राइट हैं, बाकी ये सब सही है। शोषण के विरुद्ध 23-24 और स्वतंत्रता का अधिकार 19-22। नेक्स्ट बात करेंगे
नेक्स्ट बात करेंगे किस वर्ष मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो है गठन हुआ था, किस वर्ष जो है आपका मानव संरक्षण अधिनियम के तहत जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो है गठन हुआ था। वर्ष 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक जो है संविधिक निकाय है। आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष और चार सदस्य होते हैं। आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई जो है सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, ठीक है, सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष अथवा 70 साल जो भी पहले हो जाए वो होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्री स्तरीय सम्मेलन सितंबर 2016 में किस शहर में आयोजित किया गया था। ये ब्रिक्स वाला जो है पूछा था तो उस समय जो है 2016 में कब ये किया गया था, कहाँ पर किया गया था ये पूछा गया है। तो सितंबर 2016 में ये हुआ था और किस शहर में हुआ था ये आपको बताना है। ये आपका नई दिल्ली में हुआ था दोस्तों, ऑप्शन वाई ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन है सितंबर 2016 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ, ठीक है। वर्ष 2019 वाला याद रखिएगा यह ब्राजील के ब्राजीलिया शहर में हुआ। 2019 वाला याद रखिएगा ब्राजील के ब्राजीलिया शहर में हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे इनमें से कौन सा आयकर से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सा है जो कि आयकर से संबंधित नहीं है आपको बताना है। इनमें से कौन सा है जो कि आयकर से संबंधित नहीं है, तो है दोस्तों वैट। वैट जो है आयकर से संबंधित नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्म 16 धारा 80 सी तथा जो है ITRV जो है ये आपका आयकर से संबंधित नियम है। वैट यानी मूल्य वर्धित कर जो है एक टैक्स था जो 1 जुलाई 2017 से GST जब लागू हो गया तब की बात कर रहे हैं। ये भी याद रखिए GST कब से लागू हुआ है, ठीक है, 1 जुलाई 2017 से जब GST लगे तो ये समाप्त हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे खालिस्तान है, यहाँ पर आपको बताना है भारत सरकार की एक अति विशिष्ट तकनीकी खुफिया जानकारी एकत्रीकरण संस्था है जो उड्डयन एवं रिमोट सेंसिंग सूचना एकत्रीकरण व प्रसंस्करण साइबर सुरक्षा कूटलिपि प्रणाली इत्यादि के क्षेत्र में प्रौद्योगिक क्षमताएं विकसित करता है। कौन है वो आपको नेटवर्क कौन सा इसमें जो है वो आपका खुफिया विभाग है, कौन है इसमें से याद रखिएगा। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, ऑप्शन व सी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, ठीक है, याद रखिएगा जो है ये भारत की दोस्तों ये संगठन जो है भारत सरकार की एक अति विशिष्ट जो है तकनीकी खुफिया जो है जानकारी एकत्रीकरण जो है संस्था है जो उड्डयन एवं रिमोट सेंसिंग सूचना एकत्रीकरण व प्रसंस्करण, ठीक है, साइबर सुरक्षा कूट लिपि प्रणाली इत्यादि के क्षेत्रों में प्रौद्योगिक जो है क्षमताएं विकसित करता है। इसे वर्ष 2004 याद रखिएगा 2004 में स्थापित किया गया था जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी रिसर्च एवं डेवलपमेंट भी सम्मिलित है। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन। नेक्स्ट बात करेंगे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, भारत की कम्युनिस्ट जो है पार्टी का गठन कब हुआ था बताएंगे। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन है वो 1925 में हुआ था, 1925 में 26 दिसंबर 1925 में दोस्तों, ठीक है, 26 दिसंबर 1925 में जो है यहाँ पर जो है कानपुर में ये हुआ था, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन। इसकी स्थापना एम एन रॉय ने की थी। इसकी स्थापना संस्थापक के सदस्यों में दोस्तों एम एन रॉय की पत्नी भी हैं, उनका नाम है एवलीन प्रेट रॉय और अवनी मुखर्जी और मोहम्मद अली जो है अहमद हसन हैं, हसरत मोहानी सुल्तान अहमद खान तारीन प्रमुख थे, ये सभी लोग थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे
भारत सरकार के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से सही है? ठीक है, ए में बताया जा रहा है कि लोकसभा में बजट पर बहस दो चरणों में होती है। बी में बताया जा रहा है लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा की मेज पर रखा जाता है। ए में बताया जा रहा है ए भी दोनों नहीं, बी में बताया जा रहा है केवल ए, सी में केवल बी और ए भी दोनों, डी में बताया जा रहा है। तो देखिए ये जो कह रहा है कि कौन सा सही है, तो ये दोनों आपके सही है, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। लोक क्या बोला, भारत सरकार के बजट के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है? तो लोकसभा में बजट पर जो है बहस दो चरणों में होती है, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है लोकसभा में जो है वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर वार्षिक जो है वित्तीय विवरण राज्यसभा की मेज पर रखा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद है वो 112, ठीक है, में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, ठीक है। संविधान के अनुसार अगर बात करेंगे तो बजट को लागू करने से पूर्व संसद द्वारा पास करना आवश्यक होता है। लोकसभा में बजट पर बहस दो चरणों तथा बजट पारित जो है पारित करने की प्रक्रिया 6 चरणों में होती है। पहला चरण जो है बजट का प्रस्तुतिकरण, दूसरा जो है आम बहस, तीसरा जो है विभागीय समितियों द्वारा जांच, चौथा जो है अनुदान की मांग पर मतदान, पांचवा जो है विनियोग विधेयक को का पारित होना, और छठवां जो है वित्त विधेयक का पारित होना। ये सभी 6 जो है चरण है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने कोरिया पर्यटन महोत्सव 2017 का आयोजन किया? कौन सा राज्य था जिसने जो है कोरिया पर्यटन महोत्सव 2017 का आयोजन किया था? तो देखिए उस समय का ये क्वेश्चन है, तो उस समय जो किया था वो हरियाणा राज्य ने किया था। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, हरियाणा राज्य ने जो है कोरिया पर्यटन महोत्सव 2017 का आयोजन किया था। नेक्स्ट बात करेंगे, त्वरित न्याय का अधिकार एक ऐसा मौलिक अधिकार है जिसकी गारंटी जीवन के अधिकार के तहत दी जाती है। मूलतः एक जनहित याचिका के कारण ही इसकी घोषणा हुई थी। वह याचिका थी खालिस्तान, वह याचिका क्या थी? ए हुसैन आरा खातून बनाम जो है बिहार राज्य, लोकतंत्र के लिए नागरिक बनाम असम राज्य, बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, बताएंगे। तो देखिए यह है हुसैन आरा खातून बना बिहार राज्य, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों जो है हुसैन आरा खातून बनाम जो है बिहार राज्य के वाद में न्यायालय ने यह जो है निर्णित किया कि त्वरित न्याय का अधिकार एक ऐसा मौलिक अधिकार है जिसकी, ठीक है, गारंटी जीवन के अधिकार के तहत दी जाती है। यह मूलतः एक जनहित याचिका थी। नेक्स्ट बात करेंगे, 20 नवंबर 2017 को भारत के मुख्य जो है सूचना आयुक्त कौन थे? 20 नवंबर 2017 को भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण माथुर, ऑप्शन नंबर ए, राधा कृष्ण माथुर जी थे उस समय, ठीक है, एग्जाम में पूछा है। वर्तमान में बात करेंगे तो याद रखिएगा विमल जुल्का, नाम याद रखिएगा थोड़ा सा अलग है, विमल जुल्का, ठीक है, एग्जाम में आपके आएगा जरूर वर्तमान, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए अधिकतम कितने समय के लिए कोई केंद्रीय मंत्री अपने पद पर रह सकता है? यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, संसद के किसी भी जो है सदन का सदस्य न होते हुए, ठीक है, न होते हुए अधिकतम कितने समय के लिए कोई केंद्रीय मंत्री अपने पद पर रह सकता है, बताइए। ये क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 6 माह, ठीक है, संसद के किसी भी सदन का जो है सदस्य न होते हुए जो है अधिकतम 6 माह के लिए कोई मंत्री जो है अपने पद पर बना रह सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75
याद रखिएगा अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति का जो है प्रावधान वर्णित है। नेक्स्ट बात करेंगे गन्ना उपज प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक किस भारतीय राज्य में है। आपको बताना है गन्ना उपज जो है प्रति हेक्टेयर में आपको बताना है कि कहां पर है, सबसे ज्यादा कहां होता है ये नहीं पूछ रहे हैं, ये प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो है तमिलनाडु राज्य में है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तमिलनाडु राज्य में गन्ना उपज प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक है। दक्षिण भारत में अनुकूल व काली मृदा क्या क्षेत्र होने तथा नमी संरक्षण की क्षमता एवं ट्यूबवेल जो सिंचाई की जो है विकास होने के कारण जो तमिलनाडु सहित दक्षिण भारत में गन्ने की उच्च उत्पादकता अर्थात गन्ने की प्रति हेक्टेयर जो पैदावार ज़्यादा होती है, गन्ने में जो है रस की मात्रा भी अधिक होती है। नेक्स्ट बात करेंगे 1953 से 67 के बीच किस सत्याग्रह आंदोलन ने छोटे किसानों को आह्वान किया कि वे उन निजी जमीनों में प्रवेश कर स्वयं अनाज उगाने का जोखिम उठाएं जो खेतीबाड़ी में रुचि न रखने वाले जमींदारों के कब्जे में थी। आपको बताना है कौन था ये 1953 से 67 के बीच सत्याग्रह आंदोलन। याद रखिएगा पादरी, पादरी जो है ये आपका जो है सत्याग्रह आंदोलन था। याद रखेंगे डेट 1 सितंबर 1953 को जो है प्रमुख समाजवादी नेता अशोक मेहता के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। इस सत्याग्रह आंदोलन ने छोटे किसानों का आह्वान किया कि वे निजी जमीनों में प्रवेश कर, ठीक है, स्वयं अनाज उगाने का जोखिम उठाएं जो खेतीबाड़ी में रुचि न रखने वाले जमींदारों के कब्जे में थी। 5 जुलाई 1967 को सरकार जमींदारों और सत्याग्रहियों के समझौते के साथ आंदोलन समाप्त हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे गाड़ियों में मिलावटी ईंधन इस्तेमाल करने से निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन अधिक मात्रा में होता है, क्या इसमें जो है उत्सर्जन होगा ये आपको बताना है। हाइड्रोकार्बन मिलावटी ईंधन रहेगा तो ठीक है गाड़ियों में, बी बताया जाए कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ए बताया जाए केवल बी यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें ए बी सी तीनों, इसमें आपका बी सी, इसमें आपका ए बी, बताइए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए और बी, यानी ये आपका सी एफ सी नहीं निकलता है, ठीक है, ए और बी यानी हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। गाड़ियों में मिलावटी ईंधन इस्तेमाल करेंगे तो ये दोनों आपका गैस जो है उत्सर्जित होगा अधिक मात्रा में। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित जो है प्रतिलिपियाँ कहाँ रखी गई हैं। भारतीय संविधान की मूल जो हाथ से लिखी गई है वो जो है आपकी हस्तलिखित जो प्रतिलिपियाँ ये कहाँ रखी गई हैं बताना है आपको, कहाँ रखी गई हैं हस्तलिखित वाली। याद रखेंगे संसद के पुस्तकालय में, संसद के पुस्तकालय में रखी गई भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित जो प्रतिलिपियां हैं संसद के पुस्तकालय में रखी गई हैं याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित राज्यों में से किससे गंगा नदी नहीं बहती है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कहाँ से जो है गंगा नदी नहीं बहती है, तो देखते ही आपको लग रहा है समझ में आ जा रहा है कि गंगा नदी कहाँ से है। अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है। गंगा का उद्गम आप जानते हैं गंगोत्री यानी कि हिमनद के जो है गोमुख से होता है, ठीक है, गाय की तरह वहाँ पर मुख है उसका नाम ही ऐसा है गोमुख, अब थोड़ा सा और चेंज हो गया है, जो उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जिसे जो है अगर वहाँ पर बात करें तो ये पद्मा नाम से जाना जाता है, ठीक है, गंगा नदी को, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से आपको कौन सा विषय जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है, इनमें से कौन सा है जो संघ सूची के अंतर्गत आता है बताएंगे, संघ सूची के अंतर्गत कौन सा आता है, संघ सूची के अंतर्गत बीमा आता है याद रखिएगा, ऑप्शन ए बीमा जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर यहाँ बात करें तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन किया गया है, संघ सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है,
इसके संबंध में दोस्तों, इसके संदर्भ में जो है राज्य और केंद्रों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन किया गया है। बीमा जो है ये आपका संघ सूची के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अगर विषयों की बात करें तो संघ सूची में आपके 97 उस समय थे, यानी वर्तमान बात करें तो 100 हैं। राज्य सूची में बात करेंगे तो यहाँ पर आपके 66 उस समय थे, अभी 61 हैं विषय, ठीक है। और समवर्ती सूची में बात करें तो 47 उस समय थे, 52 इस समय हैं। हाथी परियोजना भारत में कब शुरू की गई थी? हाथी परियोजना जो है ये भारत में कब शुरू की गई थी? हाथी परियोजना भारत में कब शुरू की गई थी? याद रखिएगा, हाथी परियोजना 1992 में, हाथी परियोजना भारत में 1992 में प्रारंभ हुई थी, ठीक है। भारत सरकार ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा संचालित इस परियोजना का जो मुख्य जो उद्देश्य था वो हाथियों की सुरक्षा व हाथियों की जनसंख्या में वृद्धि करना था, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, सतर्कता की दृष्टि से सरकारी संगठनों से जुड़े निर्माण कार्य की तकनीकी लेखा परीक्षा करने का भार खालिस्तान पर होता है। दिए गए विकल्पों में से आपको सही जो है यहाँ पर खालिस्तान क्या है उसमें भरना होगा, ठीक है। बताइए क्या बात हो रही है? सतर्कता की दृष्टि से सरकारी संगठनों से जुड़े निर्माण कार्य की तकनीकी लेखा परीक्षा करने का भार यहाँ पर है केंद्रीय सतर्कता आयोग, मैंने बात किया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाए। इससे कुछ और भी क्वेश्चन पूछे गए थे, सीवीसी है, ठीक है। तो दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग राइट आंसर होगा, पर जो है होता है, ठीक है। सतर्कता की दृष्टि से जो सरकारी संगठनों से जुड़े निर्माण कार्य की तकनीकी लेखा परीक्षा करने का जो भार होता है वो केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी पर होता है। भ्रष्टाचार निरोधक समिति ने सिफारिश की थी कि मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन जिसे 1957 में केंद्रीय कार्य मंत्रालय ने समवर्ती तकनीकी लेखा परीक्षा के संचालन के लिए कार्य आवास और आपूर्ति मंत्रालय में बनाया गया था, लोक निर्माण विभाग व्यय और बेहतर तकनीकी और वित्तीय नियंत्रण में अर्थव्यवस्था को सुरक्षित जो है करने के उद्देश्य से जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग को हस्तांतरित किया जाना चाहिए, ताकि इनकी सेवाएं केंद्रीय जांच ब्यूरो या केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देश के तहत की गई पूछताछ में आसानी से उपलब्ध हो सके। भारत सरकार और मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन द्वारा सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया। ध्यानतव्य है कि संथामन समिति की सिफारिश आपका 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो यहाँ पर गठन हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे, उष्णकटिबंधीय चक्रवात दुनिया में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। दुनिया के किस भाग में दोस्तों इसको हरिकेन कहा जाता है? बताएंगे तो देखिए, हरिकेन जो कहा जाता है वो अटलांटिक में कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हरिकेन जो कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को, ये दोस्तों कहा जाता है अटलांटिक में, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य में उत्पन्न चक्रवातों को उष्ण कटिबंधीय जो है चक्रवात कहते हैं, याद रखिएगा। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में जो है विली, ठीक है, याद रखिएगा विली। चीन में जो है टाइफून, अटलांटिक क्षेत्र में हरिकेन और भारत में चक्रवात के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में विली कहते हैं और चीन में दोस्तों टाइफून कहते हैं, और अटलांटिक क्षेत्र में जो है यहाँ पर जो है हरिकेन कहते हैं, और भारत में चक्रवात, ये सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विधान परिषद की संख्या बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। ए में बताया जा रहा है कि विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का जो है 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बी में बताया जा रहा है विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ए में बताया जा रहा है ए भी दोनों सही है, बी में बताया जा रहा है ए भी दोनों गलत है, सी में बताया जा रहा है केवल बी, और डी में बताया जा रहा है केवल ए। बताइए, तो यहाँ पर जो दोनों के दोनों राइट है, याद रखिएगा, विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बी में बताया जा रहा है कि विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 100 आपका 69 के अंतर्गत जो है विधान परिषद का निर्माण तथा जो है आप जो उत्सादन की प्रक्रिया इसमें दी गई है। अनुच्छेद 171 के अनुसार बात करें, किसी राज्य की विधान परिषद जो है में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा का जो है 1/3 वाला जो है ये आपका 171 अनुच्छेद से में जो है वर्णित है या बताया गया है। परंतु किसी राज्य की जो है विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 की स्थिति में या 40 से कम जो है नहीं रहेगी, तो ये भी आपका बताया गया अनुच्छेद 171 में। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा क्षेत्र भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तहत प्रतिबंधित नहीं है, कौन सा इनमें से क्षेत्र है जो कि जो है भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तहत प्रतिबंधित नहीं है। याद रखिएगा ये आपका प्रतिबंधित नहीं है, चाय का बागान ये प्रतिबंधित नहीं है। चाय के बागान का क्षेत्र भारत में प्रत्यक्ष जो है अप्रत्यक्ष नहीं बात हो रही है, प्रत्यक्ष जो है विदेशी निवेश के तहत जो प्रतिबंधित नहीं है, जबकि चिट फंड जो कारोबार है ये आपका है और हस्तांतरित विकास अधिकारों में जो है व्यापार तथा जो है सिगार का जो निर्माण है ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तहत जो है ये सब प्रतिबंधित है। सिगार का निर्माण हो गया, चिट फंड ये सब आपका नहीं है, सॉरी ये सब में आपका जो है प्रत्यक्ष आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, विदेशी निवेश। नेक्स्ट बात करेंगे, 30 नवंबर 2017 को संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के अध्यक्ष कौन थे। 30 नवंबर 2017 का पूछा है कि UPSC के जो है अध्यक्ष कौन थे उस समय, तो उस समय थे डेविड आर जो है सिम्बलीह, ठीक है, सिम्बलीह जी थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें अभी की तो वर्तमान में याद रखिएगा संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है अरविंद सक्सेना जी हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा यह कहती है, क्या कह रही है, दंड की अवधियों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा, ठीक है, आजीवन कारावास जो है ये 20 वर्ष का जो है कारावास में जो है इसको गिना जाएगा, कौन सी धारा ये कहती है भारतीय दंड संहिता की। याद रखिएगा यहाँ पर 57 धारा 57, ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग 20 साल में छूट जाते हैं, तो यही है, ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की 57 जो धारा कह रही है कि ये कहती है कि दंड की अवधि की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष का कारावास के तुल्य गिना जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी की इकाई जिसके पास अधिकतम भंडारण की क्षमता होती है, कौन सी मेमोरी की इकाई है जिसके पास जो है अधिकतम जो है भंडारण की क्षमता होती है, तो देखिए कौन इसमें बड़ा होता है कहेंगे तो, ठीक है, अब दोस्तों जानते हैं MB जो है आपका मेगाबाइट, तो ये आपका छोटा है इनमें से, फिर आपका GB आया, अब दोस्तों आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है टेराबाइट आ चुका है, TB आ चुका है, TB जो कि आप देखते हैं कि सिस्टम उस्टम में लगता है ये, मतलब कि आपका कंप्यूटर वम्प्यूटर में, अब आपका PB भी आ चुका है, तो ये सब जो है सबसे ज़्यादा जो है PB है, ठीक है, ये दोस्तों आपका 1024 का चलता है, 1024 बराबर GB हो जाएगा, 1024 GB बराबर टेराबाइट हो जाएगा, और 1024 चलेगा तो पेटाबाइट आपका हो जाएगा यानी PB हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बिट की बात करें, अब यहाँ पर MG है तो यहाँ पर ये भी तो इसमें भी तो कुछ होगा, तो इसमें जो है 1024 में बता रहा था यही चलता है, 1024 जो है कितना होता है KB होता है, किलो बाइट होता है, ठीक है, और 1 किलो बाइट कब होगा आपका 1024 ही जब आपका जो है यहाँ पर बाइट हो जाएगा, तो आपका 1 किलो बाइट हो जाएगा, और बाइट में इससे छोटी इकाई क्या है, तो बाइट से जो छोटी इकाई है वो 8 बीट बराबर आपका हो जाएगा 1 बाइट, तो याद रखिएगा सब ये कैलकुलेशन आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, अन्य सभी प्रशासनिक सेवाओं की तुलना में खालिस्तान है के जो है परिविक्षार्थी अपने प्रशिक्षण का अधिकतर हिस्सा भ्रमण में गुजारते हैं, अब यहां पर बताना है कि कौन, तो देखिए भ्रमण में कौन गुजारेगा इसमें देखेंगे, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा नहीं, ये आपका पुलिस सेवा भी नहीं, आर्थिक वाले विदेश सेवा वाले जो हैं यानी IFS वाले जो हैं ये आपके भ्रमण में गुजार देते हैं,
तो आप जानते हैं जैसा काम रहेगा वैसा तो करना ही पड़ेगा, तो डी राइट आंसर यहाँ पर भराएगा। ठीक है, याद रखिएगा सभी अखिल भारतीय व प्रशासनिक सेवाओं की तुलना में जो भारतीय जो है विदेश सेवा के जो परिविचार्थी अपने प्रशिक्षण का अधिकतम जो हिस्सा है ये भ्रमण यानी कि टूर में गुजारते हैं। भारतीय विदेश सेवा का प्रारंभिक बुनियादी प्रशिक्षण अवधि 15 माह की होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो भारतीय संविधान में स्थित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में विनिर्दिष्ट के रूप में उल्लेखित है, कौन सा है? इसमें बताया जा रहा है राज्य अपनी नीति का विशिष्टया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से, अब यहाँ पर आगे है ए में, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का जो है समान कार्य के लिए समान वेतन हो। बी में बताया जा रहा है पुरुष और स्त्री कामगारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक जो है आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुरूप अनुकूल जो है न हो। अब यहाँ पर बताया जा रहा है ए में कि ए बी जो है दोनों, बी में बताया जा रहा है केवल बी, सी में बताया जा रहा है दोनों सही है, इस पर दोनों गलत बता रहा था, और डी में बताया जा रहा है केवल ए सही है। बताइए, याद रखिएगा दोनों के दोनों राइट है। याद रखिएगा राजनीति निर्देश जो है राज्य अपनी नीति का जो है यहाँ पर विशिष्टया अगर बात करें तो विशिष्टया जो है इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से, अब यहाँ बात करें पुरुषों और स्त्रियों दोनों का सामान्य कार्य के लिए समान वेतन हो, और भी बताएगा कि यहाँ पर ऐसा काम नहीं होगा जो कि स्त्री कामगार या स्वास्थ्य के प्रति या फिर बच्चों सुकुमार जो है उनका अवस्था का फायदा उठाया जाए या फिर आर्थिक के तहत जो है विवश होकर के कुछ बच्चे या फिर उनके आयु से कम जो मतलब उसका क्राइटेरिया है तो उससे कम वन छोटे जो बच्चे हैं वो काम ना करें या फिर जिनके में शक्ति नहीं है उनसे वो काम ना लिया जाए। ठीक है, इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोनों सही है। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ष, यहाँ पर खाली स्थान है, वर्ष 1992 में गठित एक वैधानिक निकाय एवं शीर्ष राष्ट्र स्तरीय संगठन है जिसके पास महिलाओं के हितों की रक्षा एवं संवर्धन करने का जो है शासनादेश है, कौन सा इसमें से आयोग है, कौन सा विभाग है बताएंगे। याद रखिएगा राष्ट्रीय महिला आयोग वर्ष 1900 में गठित एक जो है वैधानिक निकाय है एवं शीर्ष जो है राष्ट्र स्तरीय संगठन है जिसके पास महिलाओं के हितों की रक्षा एवं संवर्धन का जो है शासनादेश है। याद रखिएगा दोस्तों जो है ये आपका जो है अगर बात करेंगे तो ये आपका जो है भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस आयोग का जो है अगर बात करें तो नोडल मंत्रालय है। ठीक है, इसका नोडल मंत्रालय है। आयोग जो है दोस्तों बहुसदस्यीय जो है होता है जिसमें एक जो है अध्यक्ष और 5 जो है सदस्य व एक जो है आपका सचिव यानी अब 6 टोटल हो गए। ठीक है, अध्यक्ष व सदस्यों का जो है कार्यकाल जो है 3 वर्ष का होता है। चलिए नेक्स्ट और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से किस पद्धति से किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता रद्द नहीं हो सकती, कौन सा इसमें से है जिसमें से जो है भारतीय का जो है यहाँ पर व्यक्ति का नागरिकता जो है रद्द नहीं किया जा सकता या नहीं हो सकता। तो देखिए नहीं हो सकता देशीकरण से नहीं हो सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान के जो है यहाँ पर बात करें तो भाग दो में जो है आप 5 से लेकर 11 जो अनुच्छेद हैं, 5 से लेकर के जो दोस्तों आपका 11 जो अनुच्छेद है ये नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख इसमें है और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, भारत में नागरिकता की जो है समाप्ति नागरिकता का परित्याग करने पर, ठीक है, समाप्ति जो है आपकी हो जाएगी वंचित किए जाने पर जो है समाप्त हो सकती है और जो है देशीकरण जो है नागरिकता का जो है अर्जन के लिए है न कि आपका यहाँ पर समाप्त या रद्द करने के लिए। याद रखेंगे डी राइट आंसर हो जाएगा, गलत है ये, नहीं हो सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि इस यातायात संकेत का अर्थ, ये जो सिंबल दिया गया है ट्रैफिक रूल से संबंधित, इसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका जो अर्थ हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कि आगे उबड़ खाबड़ रास्ता है, नहीं ये गलत है, आगे गार्ड सहित जो है रेलवे क्रॉसिंग है, ये भी आपका गलत है, गार्ड रहित जो है रेलवे क्रॉसिंग है। ऑप्शन आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा सी,
ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपके 40 क्वेश्चन हो चुके हैं प्रीवियस ईयर के पुराना पेपर का। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। आपका लाइक शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं आगे वीडियो बनाने के लिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।